जिला मंडी में यू ब्लॉक स्कूल मंडी में बाल दिवस के उपलक्ष्य पर बाल आयुष मेले का आयोजन किया गया, जिसमें एडीएम मंडी राजीव कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथि को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। बाल आयुष मेले के साथ स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान क्यूज कॉम्पिटिशन, चित्रकला प्रतियोगिता के साथ साथ बच्चों को दिनचर्या से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी दी गई, ताकि सभी इस भीड़ भाड़ की दुनिया में स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। इस अवसर पर एडीएम मंडी राजीव कुमार ने सभी बच्चों को बाल दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय बाल आयुष मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आयुर्वेद के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि सभी लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। और आज 5 बाल दिवस है। बाल दिवस के उपलक्ष्य पर मैं सभी बच्चों को सभी को बधाई देता हूं। और आज जिला स्तरीय आयुष मेला भी मंडी में बाल आयुष मेला मंडी में मनाया जा रहा है, जो मंडी के यू ब्लॉक में इसका फंक्शन चल रहा है। इसमें 10वीं तक के बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो रही है इसी इशू के ऊपर, जो हमारा आयुर्वेद है, आयुष है, उसको उसके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए, उसकी जो महत्ता है उसके बारे में बच्चों को और बाकी सभी को जागरूक किया जाए, ये इसकी थीम है। और इन थीम को प्रोपेगेट करने के लिए क्विज कंपटीशन, रेस और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इस बाल आयुष मेले के माध्यम से मैं आशा करता हूं कि जो हमारे विभिन्न स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको लाभ होगा। और जैसे कि यहां पर डिप्टी डायरेक्टर आयुर्वेदा मंडी जो बता रहे थे कि स्कूलों में आयुष विभाग द्वारा बच्चों की सेहत जानने के लिए और दवाइयां, उन बच्चों को यदि कोई कमी पाई जाती है तो दवाइयां बांटने हेतु भी विभिन्न जगहों पर जाकर के कैंप्स लगाए जा रहे हैं। सरकार घाट जंजैली में अभी हाल में ही कैंप हुए हैं, तो इससे निश्चित रूप से आयुष की जो गतिविधियां हैं विभाग की, उससे बच्चों को फायदा।